हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्राची इंग्लिश ग्रामर क्लास 8 के एक और धमाकेदार चैप्टर के साथ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 नॉन फाइनाइट वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाकी सारे चैप्टर्स के साथ साथ, तो पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये चैप्टर है क्या और क्या हम इससे सीखने वाले हैं। वन बाई वन हम इसकी सारी एक्सरसाइज भी करेंगे। देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इसके रिगार्डिंग आप यूट्यूब पे बहुत सारे देख सकते हो, बट जो आपके पर्टिकुलर चैप्टर में दिया हुआ है बेसिकली दो चीज पे फोकस किया गया है। एक आपके इन्फिनिटिव और दूसरा आपका दिया हुआ है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स हमारे तीन टाइप के दे रखे होते हैं। इन्होंने हमारी बुक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमारे इन्फिनिटिव भी तीन तरह के दे रखे हुए हैं, एक वेयर इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव और एक हमारा परफेक्ट इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर इन्फिनिटिव का यूज करके हम कैसे अपने पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कैसे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो मैं टाइम को, जैसे आप जानते हो, मैं कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, एक्सरसाइज के टाइम पे आपको सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज के टाइप पे और उससे और देख लेते हैं एक एक करके क्या पर्टिकुलर चीज को, कौन से हमारे इन्फिनिटिव हैं, कौन से हमारे पार्टिसिपल्स हैं और किस टाइप से इनका यूज होता है, बेसिकली विद एग्जांपल हम समझ लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्टिकुलर हमारे चैनल को, अगर आप नई बार पहली बार आए हो तो पढ़ाई लिखाई को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड देन अगर आप कंटिन्यू विजिटर हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेसिकली होता क्या है कि आप वीडियो में बहुत ज्यादा खो जाते हो, अपना वर्क कंप्लीट करने में लग जाते हो, वीडियो को लाइक करना कमेंट करना भूल जाते हो। अगर जितना ज्यादा आप पर्टिकुलर लाइक करते हैं और आपका जो कमेंट होता है वो और नई न्यू से न्यू कंटेंट लाने पे हमें और थोड़ा मोटिवेट करता रहता है। सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द वेयर इन्फिनिटिव। देखो, एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि मैं आपको साथ साथ लेके चलूंगा, साथ साथ सारी चीजें क्लियर करूंगा। जो हमारे वेयर इन्फिनिटिव होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आप अपनी बुक्स में भी देखा होगा, वेयर इन्फिनिटिव वो होते हैं लाइक इन्फिनिटिव का क्या मतलब है, जहां वर्ब से पहले टू लग जाता है दैट्स कॉल्ड द इन्फिनिटिव। ठीक है, वेयर इन्फिनिटिव वो कहलाते हैं जहां टू के बिना भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जीरेंड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पार्टिसिपल्स का यूज कर सकते हैं। जीरेंड एंड पार्टिसिपल्स में क्या अंतर होता है, देखो जीरेंड क्या है, पार्टिसिपल्स क्या है। अगर एज अ नाउन अगर यूज हो रहा है कोई, मतलब पर्टिकुलर वर्ब है जिसमें लास्ट में आईएनजी आई हुई है और एज अ नाउन एक्ट कर रहा है तो वो जीरेंड कहलाता है। बट वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर कोई हमारी वर्ब है आईएनजी से एंड हुई है एंड देन वो एज अ एग्जेक्टिव अपना रोल प्ले कर रही है तो वो उसको हम जो है पार्टिसिपल्स कहते हैं, स्पेशली प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ स्टार्ट करने से पहले, लाइक मैं अगर बोलता हूँ स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो स्विमिंग एक हमारी वर्ब है, स्विमिंग हमारी वर्ब होती है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग क्या कर रही है, आप एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है एंड देन क्या हो रहा है कि एज अ सब्जेक्ट एज अ नाउन यूज हो रहा है तो उसको हम जीरेंड बोलेंगे। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि I read an interesting novel yesterday, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्टिंग जो भी एक वर्ब है लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग जो है नॉवल को डिस्क्राइब कर रही है। तो जैसे मैं आपको पहले हमारे एग्जेक्टिव वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था जो हमारे एग्जेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। तो जहां भी अब जो भी वर्ड डिस्क्राइब किसी और पर्टिकुलर वर्ड को डिस्क्राइब करता है वो एग्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ वर्ब होने के बावजूद ये डिस्क्राइबिंग वर्ड में यूज हो रहा है, मतलब एज एग्जेक्टिव यूज हो रहा है तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हम अपनी वेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हुए देख लेते हैं क्या हो रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा वी हियर द लाइन रोरिंग, क्योंकि लाइन क्या कर रहा है, रोरिंग। कौन, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम क्राइंग कर सकते हैं, स्क्रीमिंग कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सेंस हमें क्या वर्ड यूज करना होगा, दैट इज द रोरिंग। वे हमारा सेकंड दिया हुआ है वी ही शो मी, यहाँ पे कई सारे वर्ड आ सकते हैं, मैंने यहाँ पे चूज किया क्राइंग, ही शो मी क्राइंग, ही शो मी राइटिंग वर्ड आप यूज कर सकते हो, ही शो मी क्राइंग या ही शो मी प्लेइंग, ही शो मी स्क्रीमिंग, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है क्राइंग का। अब यहाँ पे लेट मी, यहाँ वर्ड आया ड्राइव, यहाँ पे लेट मी प्ले बोल सकते हो आप, लेट मी ड्राइव यहाँ यूज किया गया, लेट मी प्ले हो सकता है, लेट मी राइट हो सकता है, लाइक लेट मी रीड हो सकता है, कोई भी आप वर्ब यूज कर सकते हो। यहाँ दिया हुआ है सी मेड अस, मैंने यहाँ पे यूज किया लाफ, यहाँ पे आप बोल सकते हो सी मेड अस, लाइक वी वर्ड यूज कर सकते हो, क्राई वर्ड यूज कर सकते हो। सेकंड फोर्थ हमारा फिफ्थ दिया हुआ है यू कैन जंप, यहाँ पे लाइक यू कैन जंप हो सकता है, यू कैन प्ले हो सकता है, यू कैन गो हो सकता है, यू कैन कम हो सकता है, बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं जंप। बेसिकली मैं आपसे बोलूंगा कि आप एनी वर्ब्स को यूज करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, वरना जो अल्टरनेटिव हो सकते हैं वो साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ओके,
नेक्स्ट हमारा देखा हुआ इट माइट रेन, ये बारिश हो सकती है. वी वुड रेदर डाई लाफिंग, हम जो है यहाँ पे लाफिंग वर्ड यूज कर सकते हैं. दे नोटिस्ड अस राइटिंग, उन्होंने हमें नोटिस किया राइट करते हुए. दे नोटिस्ड अस प्लेइंग वर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं. तो कहाँ पे किस टाइप के वर्ड्स, किस टाइप की वेयर इन्फिनिटिव का हम यूज करके इनको कंप्लीट कर रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है. तो आपको वेयर इन्फिनिटिव समझना है, वेयर इन्फिनिटिव क्या होते हैं, जिनमें हम बेसिकली टू के बिना वर्ब को यूज कर रहे हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं या हम अपना जीरेंड फॉर्म लगा रहे हैं, तो वो हमारा वेयर इन्फिनिटिव हो जाता है. ठीक है, तो हमारा अपना सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ लेते हैं. सेकंड एक्सरसाइज हमारी दे रखी हुई है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द इन्फिनिटिव फॉर्म. यहाँ पे इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज करते हुए हमें क्या करना है, अपने सेंटेंस को रीराइट करना है. तो पहला हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, इट सीम दैट इट इज इम्पॉसिबल. तो जिसको हम अगर हम इसको रीराइट करने जाएं तो पहला सेंटेंस हो सकता है इट सीम टू बी इम्पॉसिबल. क्या हो जाएगा, इट सीम टू बी इम्पॉसिबल. सेकंड हमें दिया हुआ है, डू यू नो वॉट यू हैव टू डू, आप क्या आप जानते हो कि आप क्या करते हो. तो डू यू नो वॉट टू डू, यहाँ पे स्पेस हम चेंज कर लेंगे. थर्ड हमें दिया हुआ है, सी होप दैट सी विल नो वाइट टुमारो, है ना. तो यहाँ हम इसको चेंज करेंगे, सी होप टू नो वाइट टुमारो. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, इट इज सर्टेन दैट इट विल रेन. तो यहाँ हो जाएगा इट इज सर्टेन टू रेन. ठीक, फिर हमारा फिफ्थ दिया हुआ है, ही प्रॉमिस दैट ही विल डू इट. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ही प्रॉमिस टू डू इट. ठीक है, सिक्स हमें दिया हुआ है, आई शुड बी डिलाइटेड, यहाँ हो जाएगा आई शुड बी डिलाइटेड टू ज्वाइन यू. तो यहाँ स्टेप से हम कंप्लीट करेंगे. थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा जल्दी आपका काम हो जाए. ठीक है, थोड़ा सा आपके बच्चों को बहुत सारा बहुत हैंडी खर्च हो रही है, बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप जल्दी नहीं कर ले रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और हमने बाकी जो हो सकता है हमने पहले समझ लिया है. सेवेंथ हमें दिया हुआ है, सी हैज सी वॉज सॉरी दैट ही हैड मिस द बस. तो यहाँ पे करेंगे सी वॉज सॉरी टू मिस द बस. ठीक है, लास्ट दिया हुआ है हमारा, आई एक्सेप्टेड दैट आई वुड कम. तो यहाँ हो जाएगा आई एक्सेप्टेड हिम टू कम. ठीक है, तो इस टाइप से हम अपनी जो है फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज नंबर टू है उसको हम कंप्लीट करते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसे आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी बुक में कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड हमारी जो एक्सरसाइजेज दे रखी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द इन्फिनिटिव फॉर्म्स. यहाँ पे हमें टोटल इन्फिनिटिव फॉर्म करना है, मतलब टू का यूज कर सकते हैं. प्लीज रिमेंबर टू लर्न द आंसर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लीज रिमेंबर टू लर्न द आंसर. मैंने यहाँ पे इसे पूरा ना लिखे, उतना ही आंसर ही लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, प्लीज रिमेंबर टू लर्न द आंसर. सेकेंड लिखा है ही कंटिन्यू टू स्पीक, क्या वर्ड यूज करेंगे हम, ही कंटिन्यू टू स्पीक. थर्ड है आई ऑर्डर्ड हिम टू स्टॉप, यहाँ पे आप कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं टू स्टॉप के. आई ऑर्डर हिम टू ईट, आई ऑर्डर हिम टू प्ले, आई ऑर्डर हिम टू सिट डाउन. ठीक है, तो अब इस टाइप से कर सकते हो, बट यहाँ पे ये वर्ड बेस्ट है तो इसलिए पर स्टॉप का यूज किया हुआ है. सी लाइक्स टू प्ले. ठीक है, दे प्रोमिस्ड मी टू हेल्प मी, आई वॉन्ट टू लाफ, ही फॉरगेट टू कुक, शी टोल्ड द चिल्ड्रन टू बिहेव, वी स्टार्टेड टू स्टडी, सी हैज लर्न द ट्राइ. तो इस ट्राइ से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं. हमारी थर्ड एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पे हमने इन्फिनिटिव का यूज किया है. देखो आप एक चीज आप नोट कर रहे हो, सभी वर्ब्स के आगे यहाँ पे टू लगा हुआ है. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब जीरेंड हमारे सॉरी स्पेशली हमारे जो इन्फिनिटिव होते हैं क्या होते हैं, टू के संग अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो हमारे इन्फिनिटिव कहलाते हैं. ठीक है, तो ये स्टेप से हमने इन्फिनिटिव का यूज करते हुए हमारी एक्सरसाइज नंबर थर्ड भी कंप्लीट कर ली है. अब एक्सरसाइज नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं. यहाँ देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ आइदर अ जीरेंड और इन्फिनिटिव. यहाँ पे हम या तो हम जीरेंड यूज कर सकते हैं या हम अपना इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं. द वर्क गिवन ब्रैकेट, जो भी हमें ब्रैकेट मिल गए, सी होप दिस ईयर, यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ पास, तो हमें कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट हो जाएगा सी होप्स टू पास दिस ईयर, क्या हम यूज करेंगे, सी होप्स टू पास दिस ईयर. सेकेंड नंबर है ही नेवर मीन टू डिसऑबे ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर डिसऑबे था तो हमने क्या कर दिया, टू डिसऑबे. ये बहुत बेसिकली बहुत सिंपल सा चैप्टर है. यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टॉप, यहाँ पे टॉक वर्ड लिखा हुआ है, देखो तो यहाँ ऑलरेडी हमारी जो है इन्फिनिटिव का यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जीरेंड का यूज करना है, क्योंकि हमें यहाँ ऑप्शन में जीरेंड भी करना है. तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टॉप टॉकिंग. ओके, नेक्स्ट पोस्ट है आई बिगिन अ नॉवल स्टडी, यहाँ पे रीड वर्ड लिखा हुआ है, आई बिगिन टू रीड, यहाँ पे हमने इन्फिनिटिव में ले लिया, ये हो गया हमारा टू रीड. आई बिगिन टू रीड अ नॉवल स्टडी. ओके, फिफ्थ दिया हुआ है सी लव्स ग्रैप्स ईट, है ना, तो सी लव्स ईटिंग ग्रैप्स, क्या वर्ड यूज करेंगे, सी लव्स ईटिंग ग्रैप्स. सिक्स में दिया हुआ है ही फॉरगेट द लेटर पोस्ट, ही फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर, इसको हम चेंज करके क्या कर देंगे, ही फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर. सेवन दिया है सी इज फॉन्ड ऑफ सिंग है, तो सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग वर्ड यूज हो जाएगा. एट हमें दिया हुआ है, ये हो जाएगा आई वॉन्टेड टू वॉच, यहाँ था आई वॉन्टेड वॉच करना था, हमने यहाँ पे कर देंगे आई वॉन्टेड टू वॉच. नाइन्थ है सी स्टॉप सम फूड वाइट, तो यहाँ वर्ड हो जाएगा सी स्टॉप टू वाइट सम फूड.
ही इज थिंकिंग ऑफ, तो यहाँ पे ही इज थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग जॉब. ओके, तो यहाँ ये कंप्लीट हमारा हो जाता है पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, बेसिकली कुछ मैंने देखा था कुछ लास्ट वीडियोस में लोगों ने कुछ कमेंट किए हुए थे कि बेसिकली सर आप जो है कुछ बोलते टाइम कुछ और बोल जाते हो या कुछ और हो जाता है. मैं देखो बेसिकली अगर आप स्टूडेंट हो तो आप आपको सिर्फ अपने उससे मतलब, बट बेसिकली क्या हुआ है कुछ टीचर्स भी हैं जो मेरी वीडियो से हेल्प है, मैं उनको थोड़ा सा वो नहीं करना चाहता कि हाँ एक्चुअली वो टीचर हो किसी को देख रहे हैं, बट अगर आपको मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपके लिए एक और चीज आपको बता दूं कि जैसे कि हमने ना एक अपनी वेबसाइट भी क्रिएट की हुई है, लाइक उसका नाम है letmelearn.in. ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओगे तो ये सारा कंटेंट आपको वहां मिल जाएगा इन द राइटिंग फॉर्म. तो आपको अगर प्रोनाउंसिएशन से कोई दिक्कत हो रही है तो आप वहां से जाके इस चीज को कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि अगर आप देख के करना चाह रहे हो. ठीक है, क्योंकि आप वेबसाइट पे आप जाओगे तो आसानी से आप मतलब देख लोगे क्या क्या चीजें लिखती हुई, क्योंकि सेम कंटेंट जो मैंने यहाँ दिया हुआ है सेम कंटेंट वहां दिया है, इवन यहाँ से ज्यादा कंटेंट आपको वहां मिल जाएगा. बहुत सारी एक्सरसाइज भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको जो है इंक्लूड मिल जाएंगी, बहुत सारी मोटिवेशनल पोस्ट आपको वहां मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप और अच्छा से सीख सकते हो, इवन बहुत सारी न्यूज टू न्यूज जो चीजें होती हैं जो एज अ स्टूडेंट के लिए जरूरी होती हैं वो सारी चीज वहां पे हम लोग पब्लिश करते रहते हैं. हमारी जो टीम है पूरी लगी रहती है उस पर्टिकुलर चीज में, कैसे एक नया कंटेंट दे सकें अपने स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, तो वहां पे भी आप जाके कर सकते हो. तो वेबसाइट का नाम एक बार मैं फिर आपको नोट कराता हूँ, लाइक ये क्या है letmelearn.in. ठीक है, एक्चुअली letmelearn.com से एक और वेबसाइट चल रही है. ठीक है, लेकिन letmelearn.in आपको डालना है तब आप हमारी वेबसाइट पर पहुंचेंगे. ओके, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज. कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग टू और इनफ. यहाँ पे हमें क्या करना है, टू और इनफ का यूज करते हुए इन पर्टिकुलर सेंटेंस को क्रिएट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है द मैंगोज आर वेरी श्योर आई कैन नॉट ईट देम. तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द मैंगोज आर टू श्योर, यहाँ पे फॉर मी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द मैंगोज आर वेरी श्योर आई कैन नॉट. तो यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे मैंशन हुआ है आई, तो आई को हमने अंडरस्टूड करने के लिए ब्रैकेट में फॉर नहीं करेंगे. आप नहीं करना चाहते नहीं करेंगे, फिर भी हमारा सेंसिबल हो जाएगा. तो सेंटेंस हो जाएगा द मैंगोज आर टू शॉर्ट फॉर मी टू ईट. ओके, सी इज वेरी वीक टू शी कैन नॉट वॉक. तो हम यहाँ पे सेंटेंस कर देंगे शी इज टू वीक टू वॉक. ठीक है, थर्ड हमें दिया हुआ है यू आर टू ओल्ड टू डू दिस टायरिंग वॉक. ओके, यहाँ पे यू आर टू ओल्ड टू डू दिस टायरिंग वॉक. फोर्थ हमें दिया हुआ है ही वॉज वेरी प्राउड ही वॉन्ट वॉक टूवर्स. ओके, He was too proud to talk to us. यहाँ पे fifth दिया हुआ है the sum is very difficult. I cannot solve it. तो यहाँ पे हो जाएगा the sum is too difficult for me. यहाँ पे वही same चीज आ गई for me. अगर आप use करना चाहते हो for me तो ठीक है, नहीं करना चाहते नहीं करें. तो sum is too difficult to solve या हो जाएगा for me, हम करना चाहते हैं तो for me हो जाएगा, लेकिन हम करना चाहते हैं तो इसे bracket में नहीं लिखेंगे. ओके, sixth हो जाएगा the news is very good. It is, it can't be true. It can not true. So this news is too good to be true. ये news हुए बहुत सही है सही मतलब सच होने के लिए. तो इसको हम स्टैटस चेंज कर देंगे. सेवन नंबर है he is very strong. He can lift this load. ठीक है, यहाँ हो जाएगा he is strong enough to lift this load. Eighth है the copy is very strong. He will keep you awake. तो यहाँ हो जाएगा the copy is strong enough to keep you awake. Ninth में दिया हुआ है he was very kind. He helps you. He helped us. So he was kind enough to help us. यहाँ पे was word पे use कर लिया हमने, जो ये हमारा ये second person है, तो इसको exception से complete कर सकते हैं. I hope आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी. Next exercise की तरफ बढ़ लेते हैं. यहाँ fill in the blanks with the correct form of the verbs given bracket. यहाँ पे correct form हमें देनी है, इन brackets में लगी हुई. यहाँ walk लिखा हुआ है तो यहाँ पे word हो जाएगा walking dog seldom bites. क्या sentence बनेगा हमारा, walking dog seldom bites. इसका मतलब क्या होता है, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी बोलते हैं. इसीलिए हम हमेशा मैं recommend करता हूँ अपने स्टूडेंट से बात वो कहनी चाहिए जो आप कर सकते हो. ठीक है ना, क्योंकि हमारे शब्द ही हमें बनाते हैं, हमारे शब्द ही हमें बना बिगाड़ देते हैं. एक बार मैंने एक पर्टिकुलर किसी मैं बहुत टाइम पहले एक नाम में भूल रहा हूँ कि एक्चुअली मुझे बीमारी है, मेरे स्टूडेंट में जानते हैं कि मेरा नाम भूलने की बीमारी है. बहुत टाइम पहले मुझे एक IAS ऑफिसर से मिलने का मौका मिला था. तो जब मैं उनके ऑफिस में गया हुआ था तो वहां पर एक पर्टिकुलर एक पोर्ट्रेट लगा रखा था, वर्ड बहुत बड़ा अच्छा था पोर्ट्रेट था, उसमें पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ था words describe word, या और दूसरा लिखा था words create
ह्यूमंस मतलब क्या था, वर्ड से वर्ड क्रिएट होते हैं और वर्ड से ह्यूमन मतलब क्रिएट होता है। कहने का क्या मतलब है कि हमारे जो वर्ड हैं वो हमारा कैरेक्टर डिसाइड कर देते हैं, मतलब क्या अगर आप किस टाइप के वर्ड यूज कर रहे हो, किस टाइप की लैंग्वेज आप यूज करते हो, वो आपके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन कर रही होती है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, जितने राइट टू राइट जितने अच्छे वर्ड हम यूज करेंगे, जितने कम से कम वर्ड यूज करेंगे, उतना ज्यादा अपने कैरेक्टर को बहुत ज्यादा लीनियंट और बहुत ज्यादा हाई बना सकते हो। चलो ये तो हो जाता है हमारा वर्ड का बात, आगे बढ़ लेते हैं। सेकेंड है माय नेवर इज अ टीचर रिटायर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा माय नेवर इज अ रिटायर्ड टीचर, क्या हो जाएगा माय नेवर इज अ रिटायर्ड टीचर। थर्ड में दिया हुआ है अ ब्रन चाइल्ड डेट द फायर, यहाँ पे क्या यूज करेंगे अ ब्रन चाइल्ड डेट द फायर। फोर्थ हो जाएगा हमारा लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ओके। फिफ्थ हमारा ये दिया हुआ है, फिफ्थ में हमारा हो जाएगा सी लुक्स टायर्ड, क्या वर्ड आएगा सी लुक्स टायर्ड। सिक्स होगा हमारा सी फेल्ट डिसअपॉइंटेड, तो सी फेल्ट डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे डिसअपॉइंटेड है। सेवेंथ इज द चाइल्ड गॉट फ्राइटेंड, द चाइल्ड गॉट फ्राइटेंड वर्ड यूज हो जाएगा। एट हो गया हैविंग फेल्ट पिटी फॉर द पुअर आई गेव हिम सम मनी। नाइन्थ हम करेंगे हैविंग रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग ही वेंट टू हिज हाउस, ओके। एंड लास्ट टेंथ जो हमारा बना है वो हो जाएगा कंसीडरिंग द सिचुएशन आई कैप द पॉइंट। तो इस टाइप से अपनी सिक्स एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। सेवेंथ हमें दिया हुआ है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ब गिवन इन द बॉक्स द पास्ट द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे रिमाइंड वॉन सॉरी इनकरेज एडवाइस परमिट आस्क डिस्करेज या ऑप्शन दिए हुए इनका यूज करते हुए वैसे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे डोंट रश इन टू द डील, ठीक है, ये जो है हमारा कंप्लीट था, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ ही वॉन्ट मी नॉट टू रश इन द डील, ठीक है। तो सेकंड हम सेकंड से हम देखते हैं इफ आई वर यू आई वुड गो टू द डॉक्टर, तो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ही एडवाइज मी टू गो अ डॉक्टर। अब यहाँ सेंटेंस से क्या करना, अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस क्या कर रहा है इफ आई वर यू अगर मैं तुम होता है ना, तो आई वुड गो अ डॉक्टर, गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाता हूँ। बेसिकली आप क्या कर, जो व्यक्ति आपसे सेंटेंस कह रहा है तो आपसे एडवाइस दे रहा है, तो ही एडवाइज हिम टू गो अ डॉक्टर, टू गो टू अ डॉक्टर। गो ऑन वायर अ न्यू कार मोहन सेड, तो यहाँ पे क्या होगा मोहन इंक्रीज्ड हिम टू वायर अ न्यू कार, मोहन ने क्या किया उसको इंक्रीज किया। ऐसे हमारा फोर्थ है प्लीज डोंट स्लीप सो सून कुलदीप सेड, तो यहाँ पे होगा कुलदीप आस्क्ड हिम नॉट टू स्लीप सो सून, स्टेप्स हम कर देंगे। फिफ्थ है रीना यू कैन गो टू द लाइब्रेरी सेड द टीचर, तो टीचर ने क्या किया था टीचर परमिटेड रीना टू गो टू द लाइब्रेरी। सिक्स है कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर सेड द मैम, ठीक है, एट द मैन, तो मैन रिमाइंडेड हिम टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, रिमाइंडेड हिम टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। सेवंथ है लीव इट शर्मन यू कैन डू इट सेट दिव्य डिस्करेज शर्मन टू लीव इट एज ई कॉन्ट डू इट, ठीक है। तो ये हमारी सेवंथ एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। अब एट्थ में मैंने लिखा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग आईएनजी फॉर्म द गिवन वर्ब्स विद ग्रेट अप्लाइड टू से। फर्स्ट हमें दिया हुआ है द डॉक्टर बेंट अराउंड ऑल द हॉस्पिटल, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे द डॉक्टर बेंट अराउंड ग्रीटिंग ऑल हिज पेशेंट। सेकेंड हम कैसे करेंगे ही इज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर, ही इज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजर। थर्ड हो जाएगा हमारा ही इज टायर्ड ऑफ बीटिंग बुशेस। फोर्थ में हम करेंगे आई अवॉइड यूजिंग टू मच ऑयल इन माय कुकिंग। हमारा लास्ट फिफ्थ हो जाएगा ही हैज पोस्टपोन सेलिंग ऑफ हिज पेट, ओके। यहाँ एट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट नॉन फाइंड वर्ब। यहाँ पे हमें क्या करना है नॉन फाइंड वर्ब का यूज करना है। तो पहला है टीचर डिड नॉट अलाउ अस, यहाँ पे हो जाएगा आवर टीचर डिड नॉट अलाउ अस टू प्ले, ठीक है। मेकिंग पीपल अगेंस्ट विल इज नॉट गुड, तो यहाँ पे हो जाएगा मेकिंग पीपल वर्क अगेंस्ट देयर विल इज नॉट गुड, ठीक है। थर्ड हमें दिया हुआ है वुड यू काइंडली परमिट मी, तो यहाँ पे हम जब चेंज करने वाले हैं हो जाएगा वुड यू काइंड permit me to speak। Fourth में जब complete करेंगे all the children enjoyed singing, okay। Fifth दिया हुआ है you had better go now। Sixth दे रखा है he was made to leave the country। Seventh दिया he feels like going to a walk। Eighth दे रखा है why did you suggest staying at such hotel, तो यहाँ पे इसको आप complete कर सकते हो देखकर, ठीक है। बढ़ते हैं हमारी next की तरफ। टेंथ है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू और इनफ। सेम हमें वही जिसने पहले किया था टू और इनफ का यूज यहाँ भी हमें वही करना है। तो फर्स्ट हो जाता है हमारा
सी इज टू एक्साइटेड टू थिंक, यहाँ पे तो सी इज सो एक्साइटेड दैट शी कैन नॉट थिंक, तो यहाँ पे हम करेंगे सी इज टू एक्साइटेड टू थिंक. सेकंड दिया हुआ है ही इज वेरी क्लेवर, ही कैन डिसीव यू, तो यहाँ हो जाएगा ही इज क्लेवर इनफ टू डिसीव यू. थर्ड है द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, सो द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व. फोर्थ है हमारे ही इज वेरी रिच, ही कैन अवॉइड दिस हाउस, तो ये हो जाएगा ही इज रिच इनफ टू अवॉइड दिस हाउस. फिफ्थ दिया हुआ है द बुक इज शो short that it can be read in 3 hours, ठीक है, so the book is short enough to be read in 3 hours. फिर हमें दिया हुआ है सिक्स वाला the field are bad they cannot be plowed, तो यहाँ हो जाएगा the field are too bad to be plowed, तो यहाँ स्टेप से हमारी 10th एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. 11th एक्सरसाइज में देखिए कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू. यहाँ पे पहला आपको दिया हुआ है क्या, द सेल वॉज इरिटेटेड बाई द नॉइज ही फेल्ट द हाउस, तो इरिटेटेड बाई द नॉइज सेल लेफ्ट हाउस, तो ये हमारा फर्स्ट दिया हुआ है. सेकंड से हम देखते हैं, ठीक है, सेकंड हमें दिया हुआ है ये हुआ ही हैज कंप्लीटेड हिज सर्विस, तो ये जैसे हमने यहाँ पे देखा होगा आपने जो हमारा सेंटेंस वाला चैप्टर था इसमें कंबाइन करना सीखा था हमने सेंटेंस को, तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल्स का हुआ. हैविंग कंप्लीटेड हिज सर्विस ही विल नाउ लीव अ रिटायर्ड, तो ये चीज हम बहुत पहले सीख चुके थे, ये चीज हमें यहाँ पे दोबारा बताई जा रही है. थर्ड ही वाज सरप्राइज्ड एट द टर्न ऑफ इवेंट she decide to take action, तो हो जाएगा surprise at the turn of event she decide to take action. fourth हमें दिया गीता is poor she cannot wear a cycle, so being poor Gita cannot wear a cycle, क्या हो जाएगा being poor Gita cannot wear a cycle. he was startled by the retort he stopped talking, तो यहाँ पे क्या word हो जाएगा startling by her report he startled टॉकिंग. अच्छा बेसिकली मेरे स्टूडेंट ने भी पूछा था आप लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है रिटॉर्ट का क्या मतलब होता है, रिटॉर्ट का मतलब होता है जब हम छिड़कर किसी से जवाब देते हैं, तो यहाँ पे क्या है ही वाज स्टार्टेड बाय, वो जो है छिड़ रहा मतलब अटलेट हुआ जब उसने छिड़कर जवाब दिया ही स्टॉप टॉकिंग, उसने बात करनी बंद कर दी. रिटॉर्ट का क्या मतलब हो रहा है जब आप छिड़कर किसी, क्योंकि जब हम क्या होता है जब बंदा किसी गलत मूड में बैठा हुआ है और आप जब उसे पूछते तो बहुत इरिटेट होते हुए आंसर देता है, तो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम रिटॉर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिटॉर्ट. ओके he has given his property to his son he now lives in hills, so kya hoga having given his property to his son he lives now in hills. okay last hamari exercise de rakhi hui hai fill in the blanks with the correct form of the verb given in the bracket, so she need the child all night cry, kya ho jayega she need the child cry all night, kya hoga she made the child cry all night. next hamara I need hardly tell you that you must be careful, ठीक है. थर्ड है आई वुड सूनर डाय देन बीटरे माई फ्रेंड, बीटरे का मतलब होता है जब आप किसी को चीट कर रहे होते हैं. फोर्थ है हमारा फोर्थ हमारा दिया हुआ है सी कैन नॉट बट ऑफ द बिहेवियर कंप्लेन, दे कैन नॉट बट, यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे ये जो वर्ड यहाँ पे जो लिखा हुआ है द एक्चुअल में ये राइट थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो सी कैन नॉट बट कंप्लेन द बिहेवियर, यहाँ पे द की जगह हम करेंगे यहाँ पे टी की जगह केवल एस को करेंगे, सी कैन नॉट बट कंप्लेन द बिहेवियर, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अगर आप चाहें वहाँ वो वेबसाइट से कर रहे हो किसी से कर रहे हो, क्योंकि सेम कंटेंट में पढ़ा तो मिस्टेक सेम भी वहाँ भी होगी, मैं उसको अभी चेंज कर देता हूँ. यहाँ पे क्या करेंगे सी कैन नॉट बट कंप्लेन ऑफ हिज बिहेवियर, ठीक है. फिफ्थ हमें दिया हुआ है टेल हिम टू वेट टिल आई कम, ठीक है. सिक्स में दिया हुआ है ही वेंट टू इंग्लैंड टू लर्न इंग्लिश. सेवेंथ है वॉचिंग द हॉरिबल मैचेस वी डिसाइडेड टू गो होम. एट्थ में दिया हुआ है ही द चीफ गेस्ट गिव इन द इंस्पायरिंग स्पीच. ओके नाइन्थ है आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी इज लीडिंग एन आइसोलेटेड लाइफ. आइसोलेटेड मतलब एकांत की लाइफ जी रही. टेंथ में दिया हुआ है द पुलिस हैव नॉट बीन able to recover all the stolen things. तो यहाँ ये हमारा पर्टिकुलर चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारी 12 एक्सरसाइजेज हैं जो हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है. एंड नाउ फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर, ठीक है. एंड नाउ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन टू सब्सक्राइब दिस चैनल. मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.